हे गाइस, कैसे हो आप सब। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों का। और ये हो गया दिन जो है वो सैटरडे हो गया, सप्तमी का दिन है। बहुत खूबसूरत दिन आज किया हुआ है, पूरा धूप वाला दिन है। और आज बहुत सारा दिन भर में काम है तो निपटाना है। सुबह जल्दी उठी हूँ, काम आधा हो चुका है। वो जो है माता रानी की चौकी भी है, मेरी फ्रेंड के घर भी एक जो है वो प्रोग्राम है, माता की चौकी ही है, तो वहाँ भी आप लोग को लेके जाएंगे। ये तो मेरा फर्स्ट माता की चौकी है यहाँ पे, जब से नोएडा आए हैं तो आपको वहाँ ज़रूर लेके जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में, देखिए आज क्या होता है। जो भी मैं थोड़ा जो है वो शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा डाल रही हूँ डे वाइज, और लॉन्ग थोड़ा कम कर रही हूँ क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो है वो नहीं हो पा रहा है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, नन्नू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा जो है वो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना सारा पेड़ पौधा है सामने ना मेन एथी के पास। इन लोग बिल भर में लाने जा रहे हैं, माता जी में आज जो है जान आ जाएगा, मतलब शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। हाँ गाइज, ये जो है मैंने मूंग जो है वो फुलाया था, रात में डाला था, तो सोचा था कि सुबह चीला बना दो, लेकिन प्रोग्राम हो गया पोहा खाने के लिए, तो ये पोहा भी मैंने रख दिया है और इसे मैं डाल दूंगी उसी में। चार मैंने टमाटर डाला है, दो जो है वो सब्जी के लिए रखूंगी और दो टमाटर मैं इसमें डालूंगी पोहा में। थोड़ा खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है। और ये कुछ मिर्ची है वो निकाल के लाई हूँ, अभी चाय बनाऊंगी तुरंत। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, अभी तुरंत जा रही मैं तुरंत पोहा बनाने लगी, और पोहा के साथ साथ मैं खाना भी बनाते जा रही थी, खिचड़ी बनानी है। ये हम लोग 7:30 बजे जो है नाश्ता किए थे, तो मैं सोची 12-12:30 बजे तक हम लोग लंच भी कर लेंगे, तो दोनों ही काम साथ ही साथ हो रहा था। और ये देखते ही देखते जो है वो पोहा बन के भी बिल्कुल तैयार हो गया है, और हम लोग जो है इसे फिनिश करते हैं, बाकी का काम जो है अभी कम्प्लीट भी करना है। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर चले गई थी, सामान कुछ लाना था क्योंकि आज जागरण में जाना था, तो घर में जो है फल और सारे चीज़ थे, लेकिन वो जो है चढ़ाया हुआ था, तो चढ़ाया हुआ फ्रूट्स दे नहीं सकते, इसलिए जो है मैंने फ्रेश फ्रूट जो है वो अभी लेके आई हूँ चढ़ाने के लिए। कुछ सामान जगराता में माता को दूँगी चौकी में जब जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा सा घर को जो है वो व्यवस्थित किया। व्यवस्थित ही होता है सारा काम, तो मैं सुबह ही जो पोछा और झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच भी सबके लिए निकाल दिया। ये सिंपल सी जो है वो खिचड़ी बनाई है मूंग दाल की, साथ में थोड़ा सा दही पापड़ और चोखा है आलू का। ये साड़ी आज मैं पहनूँगी, ग्रे कलर का है, हल्का ग्रे है इसमें, ये ग्रे है हल्का सा, इसलिए चल जाएगा। तो चलिए गाइस निकलते हैं, मैं तैयार हो गई हूँ। ये हल्का इसमें जो है ना आज ग्रे जो है वो थीम कपड़ा है, तो मैंने हल्का सा ग्रे है तो वो चलेगा, पूरी तो ग्रे नहीं है। तो चलिए चलते हैं नीचे, आपको भी साथ लेकर चलते हैं। हम लोग आ गए माता की चौकी में, यहाँ पर जो है ये हमारी सोसाइटी में ही था, तो यहाँ पे जो है ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है दिल्ली नोएडा उत्तर प्रदेश में, कि 9 दिन जो है ना वो सब जो है अपने अपने घर जो है वो माता का जो है वो भजन कीर्तन जितने भी जो है वो गीत वगैरह जो है सब मिलकर गाते हैं, और ऐसे ही सारी मंडली एक होती है, वो मंडली एक घर से दूसरे घर ऐसे करके जाते हैं। तो वैसे तो मेरे पास 2-3 बार जो है वो आया था बुलावा, मतलब ये पूरे नवरात्र के दौरान आने के लिए बोला गया था कि आप यहाँ मतलब आना, लेकिन जा नहीं सकी थी। लेकिन ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया क्योंकि बच्चों को लेके साथ में जाना और टाइम भी लगती है थोड़ी सी, और इतना जो है अभी टाइट जो है वो स्केड्यूल चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है लेके चलने में। और ख़ास है कि दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है, मेरी और नन्नू दोनों की ही ठीक नहीं है, ये मतलब वायरल है इसलिए। लेकिन जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति भी बहुत मिली मुझे, सब ने जो है ना वो बहुत धमा चौकड़ी की और बहुत मज़ा भी आया।
वह तो केवल डांस नहीं कर पाई, लेकिन बाकी ने सब ने जो है जिसे भी उठाया गया वो जो है वो डांस किए सब ने जो है। तो जाके मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और फिर वैसे करके जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि ये लंबा चला था, 2 बजे मैं गई थी और 5 बजे तक होता रह गया था। मैं सोची कि घर भी जानी है, आज जागरण भी है, मतलब सोसाइटी में भी जागरण, और अभी ये लास्ट में मेरी फ्रेंड जो है आई है, उसने भी समा बांधा, बहुत सुंदर उसने भी डांस किया। खैर उसको तो बहुत अच्छा ढोलकी भी बजानी आती है और मंजीरा भी, तो वो बहुत सुंदर से डांस भी की माता रानी के लिए। और ये अंत में जो है आरती हो गया, मेरा बेटा जो है आरती कर रहा है, सब देर थोड़ा थोड़ा लिए, और उसके बाद फिर माँ का आशीर्वाद लेके जो है हम लोग घर चले आए। और शाम की तैयारी के लिए डिनर बनाना था, डिनर बनाने के बाद फिर हम अपनी सोसाइटी में जहाँ हमारा पंडाल माता रानी आई हुई है वहाँ भी जाना था। तो वहाँ जाते जाते तो 9 बज गया, प्रोग्राम तो पंडाल में शुरू हो गया था 6 बजे से ही, शाम से ही, लेकिन मैं उसमें नहीं आ पाई क्योंकि ना झांकी आने वाली, जैसे इस तरह की झांकियाँ आने वाली हैं, और मैं बैक बेंचर्स बिल्कुल लास्ट में बैठी हूँ क्योंकि मैं लास्ट में गई थी और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है मी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा इन्जॉय भी किया। करके जो है बहुत सारी झांकियां आई और बहुत सुंदर से डांस भी कर रहे थे जो भी लोग आए हुए थे, मतलब कल्चरल प्रोग्राम की तरह था और सबका अपना अपना एक जो है वो परफॉर्मेंस था, चाहे वो काली माँ हो, चाहे इनका जो है मोर पंखी जो है, इस तरह करके एक एक हनुमान जी के भी दर्शन हुए और मतलब इस तरह करके एक एक करके आते रहे। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना 12 बजे तक चलता रहा, मैं उतने देर तक जो है वो बैठ नहीं पाई क्योंकि नन्नू जो है वो सो गई थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसे लेके मैं घर चली आई क्योंकि मुझे लगा क्या कि ये बाद में मैं जा पाऊँगी, लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई। ये जहाँ तक था प्रोग्राम देखा, उसके बाद घर चली आई। गाइज़ ये ब्लॉग मैं अब बस यहीं तक रखती हूँ क्योंकि एडिट भी बहुत ज़्यादा करना होता है, टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा है, दिन भर का जो काम वाम होता है उसमें से जो भी थोड़ा समय मिल पाता है तो मैं उसमें एडिटिंग तो कर ही देती हूँ। तो ये जो है सप्तमी का ब्लॉग था जो मैंने सुबह से जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो भी जो है वो रिकॉर्ड किया था वो आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया, अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे कल आपको, कल तो महाअष्टमी है, उसमें हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए भी जाएंगे, घूमने अपनी सोसाइटी में ही जाएंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी 4-5 जगह जो है वो माता जी जो है वो उठती हैं, जैसे कि सब पूरी सारी सोसाइटी में अपना अपना जो है वो माता रानी होती हैं, तो वहीं आपको भी लेके जाएंगे, हम भी जाएंगे। और रामलीला मैदान में रामलीला भी पूरे जोर शोर से चल रहा है, वो भी एकदम लास्ट होने वाला है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हम घर जाएंगे, घर जाने के बाद नन्नू को जो है वो थोड़ा सा दवा खिलाऊंगी, खाना तो हम लोग खा के आए थे डिनर। आप सबको जो है बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे कल आप पे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सबको जो है बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रहा आज का प्रशांत।